Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome to my another vlog. आज है Saturday फिर से और हम लोग सुबह उठ चुके हैं और सुबह हो रही है और मेरे पीछे जो है ना सुबह तो नहीं हो रही है एक्चुअली 11:30 हो रहे हैं, सुबह ही हो रही है हमारी तो. और पीछे आपको हंगामा दिख रहा है, वीकेंड का हंगामा हमारा. ये मुईज एंड माई किड्स दे आर प्लेइंग एंड दे आर प्लेइंग वर्ट दे आर प्लेइंग विद द बॉल. इनकी कोई हैप्पी मील से कोई बहुत अरसे पहले एक निकला था कुछ जो कि इन लोगों ने कल खोला है, बिकॉज ये लोग संभाल संभाल के रख लेते हैं चीज़ें. तो हम सब ने टूथब्रश कर लिया है और हम सब फ्रेश हो चुके हैं एक्सेप्ट इस दिस गंदी बच्ची. ये गंदी बच्ची जो है वो ना वॉशरूम जा रही है ना टूथब्रश कर रही है. ओए सो एनीवेज अभी मुझे उनका गेम बंद करवाना है और फिर उसके बारे में डिसाइड करना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इन आवर ब्रेकफास्ट. क्योंकि कुछ भी नहीं, ना ब्रेड है ना अंडे है, कुछ भी नहीं. सो एक्चुअली मैं हर सैटरडे को ये बोल रही होती हूँ कि जब से इन लोगों का शुरू हुआ है ना विद समर वेकेशन, तो हम लोग सुबह उठते हैं और इनको मामा के यहाँ ड्रॉप करते हैं और मैं और उसको नाश्ता नहीं कर पाता क्योंकि वैसे ही इतना लेट हो रहा होता है. फिर यहाँ से मम्मा के यहाँ पर ड्रॉप करना होता है, फिर वहाँ से ऑफिस जाना होता है, तो हम बगैर नाश्ते के ऑफिस चले जाते हैं. तो फिर पूरा वीक तो ज़रूरत पड़ती नहीं है और ये लोग मम्मा के घर जाके नाश्ता करते हैं. फिर सैटरडे को हम सारा सामान लेकर आते हैं और फिर सैटरडे संडे जो है वो हम लोग नाश्ता करते हैं. तो अब मुझसे डिसाइड करना है मुझे कि हम क्या करने वाले हैं नाश्ता और फिर जो भी होगा आज सैटरडे का सारा कुछ दिखाएंगे. तो मैंने चेंज कर लिया है और मैंने इसलिए चेंज किया है बिकॉज मी एंड मुई वी हैव डिसाइडेड कि हम बाहर जाकर नाश्ता करते हैं. अभी ब्रेड लेकर आएंगे, अंडा लेकर आएंगे और फिर बनाने का फिर करने का एक्चुअली. तो बस हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जाकर नाश्ता करेंगे, क्या करेंगे ये नहीं पता, ये हम बाहर जाकर ही देखेंगे. तो बस फिर बाहर चलते हैं. सो हम बाहर आ गए हैं और गर्मी जो है ना वो इस वक्त कोई नेक्स्ट लेवल की हो रही है. 11:30 बजे ये हमें बाइपर जॉइंट ने बड़ा कोई धोखा दिया है. आई सुबह मतलब हल्की सी बारिश ही हो जाती है यहाँ पर, वो भी नहीं हुई है. और निमल यहाँ पे खड़ी हुई है अपनी बॉटल लेके. चलो निमल सिट इन द कार नाउ. निकल चुके हैं गाड़ी में बैठे हुए हैं, मतलब निकल रहे हैं. मैं बैठ रहा हूं. वो इधर है भाई, वो इधर है, वो गेट बंद कर रहे थे और निमल रोड में है. अब सीट बेल्ट लगा रहे मेरे और मुईद अब सीट बेल्ट लगा रहे हैं और अब हम देखते हैं कहाँ जाते हैं. मतलब गर्मी जो है ना वो नेक्स्ट लेवल है. मतलब इतनी धूप नहीं है आज, लाइक थोड़ा सा क्लाउडी क्लाउडी है मगर गर्मी बहुत है. पता नहीं क्यों नाश्ता करके हम लोग आ गए थे और फिर उसके बाद मेरी कुछ हिम्मत नहीं हुई शूट करने की. इतनी गर्मी हो रही थी कि बस हम बिस्तर पे लोट पोट होते रहे. और बस अभी शाम के 6 बज रहे हैं और दोनों बच्चों को जो है वो शावर दिला के चेंज कराया है. वही जमी ले लिया, अब से मैं बच गई वो करेंगे और फिर उसके बाद कमरा ठीक करेंगे, बेडशीट वगैरह, और फिर देखते हैं आगे हम क्या करते हैं. सो रूम सारा क्लीन कर लिया है, मतलब सिमटा हुआ तो था, बस बेडशीट सही करनी थी, वो सारा कुछ कर लिया है. और मैंने भी शावर लेके चेंज वेंज कर लिया है. मुईज़ बाय द वे वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं और मैं भी नमाज़ के लिए रेडी हूँ. तो मैं भी नसर की नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है. हमने खाने का कुछ सोचना है और गर्मी बहुत हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि शावर लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. और ये नमाज़ पढ़ते हुए निर्मल का फेवरेट काम है. तो नमाज़ पढ़ ली हम लोगों ने असर की और अब हम लोग बाहर आए हैं. शुक्र है बहुत थोड़ी हवा चल रही है, हम लोग को बहुत गर्मी लग रही है और बहुत ज़्यादा जो है ना ह्यूमिडिटी टाइप हो रहा है. मैं बाहर अब हवा चलनी शुरू हो गई है, मैं आपको दिखाऊँ ना ये देखें. सो एनी वेज वी आर गोइंग आउट राइट नाउ टू बाय सम स्टफ सो दैट वी कैन कुक.
हम क्या बनाने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और बाय द वे हम जा रहे हैं आज बाइक पे, हमारे पास बाइक भी है जो हम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, और मुझे इसका बिल्कुल मूड नहीं हो रहा अभी गाड़ी निकालने का, तो हम बाइक पे जा रहे हैं। तो बाइक पे ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू शूट, सामान लेकर आते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो सामान हम सारा लेकर आ चुके हैं, और मैंने आके मगरिब की नमाज़ पढ़ी अभी, और आकर कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो रही थी गर्मी की वजह से, मुझे लग रहा था मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है। सो देन आई चेक्ड माय बीपी एंड इट वाज एक्चुअली लो, तो बस मैं लेट गई थी क्योंकि बहुत बुरा हाल हुआ था। एनीवेज अब वी आर गोइंग इनटू द किचन, हमीज जो है वो बेचारे पहले से किचन में जा चुके हैं एंड ही इज कटिंग ऑल द वेजिटेबल्स, सो दैट मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े बिकॉज ऑफ माई बीपी। तो बस किचन में चलते हैं, और अभी मेरे पास ना मुझे अभी अभी रिसीव हुआ है एक पीआर पैकेज, तो इसको भी मैं अनबॉक्स करूँगी इंशाल्लाह इसी व्लॉग में, एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू एंड टैग द पेज एज वेल। तो आप लोग भी अगर इसमें से कुछ ऑर्डर करना होगा तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। एनी वेज रूम के करते हैं लाइट कम, और फिर चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं मुइज़ कहाँ है, आई मीन कहाँ तक पहुँचे, क्या क्या कर लिया है मुइज़ ने। और ये हम किचन में आ गए हैं, एंड आई हैव एज आई टोल्ड यू पीपल कि मुइज़ बेचारे जो है वो लगे हुए हैं अकेले सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बीपी जो है वो लो हुआ है, तो बेचारे बताए बगैर आ गए। और मैंने अभी जब पूछा कि आपने मगरिब की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी आकर, पढ़ ली, तो मुझे पता लगा कि ये सारे वेजिटेबल्स काट रहे थे बेचारा मेरा मियाँ। कुछ भी नहीं करना क्योंकि मुझे चिकन भी दे दी है सारी, और सारे वेजिटेबल्स भी काट लिए हैं, सिर्फ पकाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। मेन सारा काम मेरे मियाँ ने कर दिया है मेरे लिए, तो वो अब हम बनाते हैं, हमें बताते हैं हम क्या बना रहे हैं। उससे पहले हम चाय पियेंगे, और चाय भी मुझे इसने रख दी है बनने के लिए, तो सारा कुछ हो चुका है जी। कबीर, सारी चीज़ें हमने डन कर ली हैं, सारी चीज़ें कट कर ली हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू कुक टुडे, हम बना रहे हैं चाउमिन और ड्रमस्टिक। तो पहले ड्रमस्टिक को मैरिनेट करते हैं, दिस इज़ ऑल माई रेसिपी रा, तो ये मेरी रेसिपी है अपनी तरफ से बना रही हूँ, जैसा भी बनेगा अच्छा ही बनेगा होपफुली, तो वो आप लोग फॉलो करते जाएँ। सो ड्रमस्टिक के लिए हम ना पहले ड्रमस्टिक को मैरिनेट करेंगे। मैंने क्या किया है कि ये हम लोगों ने हैम पीस लिया है और इसको ऐसे कट करवा लिया है लॉरी सॉर्ट ऑफ टाइप, तो ये ऐसे होगा। अब हम इसको यहाँ रखते हैं, एंड वी आर गोइंग टू ऐड सबसे पहले मैदा, ठीक है, अनफ मैदा ऐड कर लिया, और अब हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। एंड मैं कोई क्वांटिटी नहीं बता रही क्योंकि आई डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू माय अंदाजा। तो हमने ये ऐड किया इसमें, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक है, और हम इसमें डालेंगे कभी कैन प्लीज लीव माय दुपट्टा, ब्लैक पेपर, और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा क्योंकि भी लाल मिर्च, दैट्स टोटली ऑप्शनल, अगर आपको कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं। और अब इसमें जो जाएगा ना मेन, वो जाएगा थोड़ा सा, इसमें हम डालेंगे ये चिकन चिली चॉप किए हुए हमने, ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्याज चॉप की हुई है, हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब जो है हम इसमें डालेंगे ये जिंजर गार्लिक, मेरे पास मैंने एक कूट के रखा हुआ है, आपकी मर्जी है आप पेस्ट डालें कूट के डालें, मुझे थोड़ा गार्लिक का पेस्ट अच्छा लगता है तो इसलिए आप थोड़ा सा कूट के डाल रहे हैं, ठीक है। और अब इसमें जाएंगे सारे सॉसेज हम सब डालने के बाद ना, फिर उसके बाद गोइंग टू मिक्स इट दिस, और फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मैरिनेट होने के लिए रख देंगे फॉर लाइक 15 to 20 मिनट्स। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड, वी आर गोइंग टू ऐड चिली सॉस अगेन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, देन वी आर गोइंग टू ऐड हॉट सॉस, एंड इसके बाद हम डालेंगे सोया सॉस,
और फिर उसके बाद हम डालेंगे, अच्छा ये भी टोटली ऑप्शनल है, आप इसमें डाल सकते हैं ये सेसमे ऑयल, मेरे पास है तो मैं इसलिए डाल रही हूँ, अगर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, मैं सब ये खुद ही से डाल रही हूँ, देखते हैं कैसा टेस्ट आता है डालकर। दैट्स इट। और हाँ, लिटिल बिट ऑफ विनेगर, दैट्स इट। अब हम इसको जो है मिक्स करेंगे, मगर हम इसमें एक अंडा भी ऐड करेंगे, ठीक है, और इसको मैं पूरा मिक्स करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा बैटर बनता है। अच्छा, ये मैरिनेट होने के बाद ना, आई मीन मैरिनेट नहीं, मतलब मिक्स होने के बाद अभी ऐसा हो गया, तो अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे फॉर लाइक 15 to 20 मिनट्स और अपने चाउमीन की तैयारी करेंगे। अच्छा, नूडल्स के लिए पानी बॉयल करने रख दिया और इसमें ऐड किया हमने थोड़ा सा ऑयल, और ये रही बाकी सारी चीज़ें चाउमीन के लिए। अब जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं और मोइस हमने तंग आकर ना एक काम किया, हमने अपने रूम से ये पेडिस्टल फैन लिया है ताकि थोड़ी थोड़ी हमें हवा लगती रहे, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। फिर हमने यहाँ पे तेल ले लिया है ऑयल, और इसमें हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, ठीक है, और हम डालेंगे इसमें जिंजर पेस्ट, ठीक है। अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा फ्राई, थोड़ा सा फ्राई हो जाए और क्योंकि स्मेल उसकी और तेल में आ जाए तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये थोड़ा थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया, इसको हमें पूरा ब्राउन नहीं करना, ठीक है, ये लाइट ब्राउन हो गया। अब इसमें हम वी आर गोइंग टू ऐड चिली, हमने चॉप करी हुई थी वो डालेंगे, ठीक है, और अब हम इसमें चिकन डालना है, फ्राई चिकन ना ऐसे कटवाइए इसमें, ये भी आपके चिकन पर डिपेंड करता है कि आपका चिकन कैसी चाहिए, मुझे कच्ची चाहिए कि नहीं। इसकी कोई मज़े की स्मेल आ रही है ना आपके साथ, इसको हम ना फिर एक मिनट सौते करेंगे चिकन के साथ, ऐसे वैसे मतलब उसमें स्मेल आ जाए थोड़ी सी चिकन में, ऐसे थोड़ी चटनी का स्मेल है वो जो है वो करीब है, उसमें हम इसमें फिर ऐड करना शुरू करते हैं, ठीक है। नूडल्स भी डाल दिए थे क्योंकि पानी बॉयल हो गया था, तो नूडल्स डाल दिए हैं, और यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छी काफ़ी फ्राई हो गई है, सब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे, पहले भी आए उनको ड्राई मसाले सारे और फिर उसके बाद सॉसेज ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड ब्लैक पेपर, कटी हुई लाल मिर्च, सॉल्ट, एंड मैं इसमें डाल रही हूँ चाइनीज सॉल्ट, दैट्स टोटली अप टू यू, आप डालना चाहते हैं तो डालेगा, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालेगा, ठीक है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, मैंने ना थोड़ा सा घूम दिया ताकि आप देखें चिकन कितनी मज़े की और जूसी लग गई है। अच्छा, अब आप फिर एडिंग सारी बिटवीन जो ड्राई मसाले थे, अब हम इसमें ऐड करेंगे कैरेट, ये मैंने कभी कश किया है मूवीज में एक्चुअली, कैरेट में वो फ्राई हो गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, ठीक है, और अब हम इसमें सॉसेज ऐड करते हैं। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे हॉट सॉस, ठीक है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, लॉट्स ऑफ रेड सॉस, क्योंकि इसमें मैंने नमक कम रखा था, ऐड किया था बहुत सारा, और फिर हम ऐड करेंगे वॉर्चेस्टर सॉस थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सॉल्टी होता है तो
डालेंगे बाद हम अच्छे ना अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी सी आँच भी देंगे और उसको मिक्स करने के बाद हम एंड करेंगे इसमें अनियंस थोड़ा सा नूडल्स को करेंगे हमें नूडल्स और केचप सब। अच्छा हमने पतीली जो है चेंज कर ली, कढ़ाई में नूडल्स तो नहीं आ सकते ज़्यादा ज़्यादा है, हमने वेजिटेबल और चिकन इसमें कर दिया और अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे और ये मूवीज मिक्स करेंगे बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मैं नहीं कर सकती है। आप इसको ना वेट करके मिक्स करेंगे, मैं बाकी चीज़ें ऐड कर लेती हूँ उसमें। आप ये कैमरा पकड़ें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर गोइंग टू ऐड थोड़ा सा केचप और थोड़ा सा चिली गार्लिक केचप, ठीक है, और मेरा फेवरेट सेसमी ऑयल, तो हम ये भी थोड़ा सा ड्रिजल कर देंगे इस पर और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के हिसाब से शुगर, ठीक है, बस इसको मिक्स करेंगे right? और मोहित अब इसको टॉस कर रहे हैं क्योंकि ये मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। मैं ना नूडल्स बनाना इसलिए अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे इतना कोई डिफिकल्ट काम लगता है ना, ये देखिए मेरा मेहनती मियाँ मुझे इतना कोई डिफिकल्ट काम लगता है, सब कुछ करवा लो मुझसे मगर मुझसे ये नूडल्स मिक्स नहीं करेंगे, वो मुझसे नहीं हो पाते। तो ये मेरी हेल्प मिक्स करेंगे, ये पूरा मिक्स हो जाता है, मैं आपको फिर इसकी लास्ट शक्ल दिखाती हूँ और फिर उसके बाद हम अपने ड्रमस्टिक्स फ्राई करेंगे। अब मेरा कुछ ये हाल हो चुका है, पसीने से बुरा हाल है, इस गर्मी में खाना पकाना डिफिकल्ट था, तो मैं थोड़ा सा पंखे के आगे आ गई, जो मैंने लगाया था पेडेस्टल फैन मैंने आपको दिखाया था, तो मैं इसके आगे आ गई हूँ, हवा आती रहे। मैंने चिकन जो है वो फिर से निकाल लिया है, मैरिनेट हो गई, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स हो गए इसको। और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने मैदा लिया है और इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और अगेन चाइनीज़ सॉल्ट, अगेन आपके पास ऑप्शन है आप डालना चाहे तो डालें, मैंने डाल दिया है। और मैदा कॉर्नफ्लोर और चाइनीज़ सॉल्ट को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसका आता है ट्रिकी पार्ट, वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैंने कढ़ाई भी रख दी है, इसमें ऑयल गर्म हो रहा है, फ्राई करने से पहले इससे ज़्यादा ज़रूरी काम करेंगे, जितना पसीना निकाल चुका है ना हम पानी पियेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट, लेकिन मेरा मियाँ नहीं करा है अभी ताकि मैं पानी पीएँ। सो अब हम क्या करेंगे, हम ये चिकन को पकड़ेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से ऐसे पकड़ेंगे, रोल करेंगे। अरे मैं मेरे को पूरी चिकन को अपसाइड डाउन करूँ, ठीक है। अच्छा नाउ हमने एक पीस लिया, इसके साथ चिकन को ऐसे किया, ठीक है, और ये हम थोड़ा सा मैदे में इसको कोट करेंगे। अरे मामा वेट, ठीक है, ये हम एक करके देखते हैं कैसा होता है। तो प्यार से डालेंगे हम इसको, ठीक है, ऐसे ही हम अब सारे डालते जाएंगे, मैं सारे डाल के ना फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने देखिए चार डाले और मैं इतना ऐड नहीं करूँगी, पहले एक साइड से हो जाएगा, धनिया गुंड को थोड़ा इंड, ठीक है, ताकि ये शेप जो है ना इसका वैसे ही रहे। देखिए मैंने साइड चेंज कर दी और इसका बिल्कुल एग्जैक्टली वही शेप आया जाना चाहिए ड्रमस्टिक का। देखिए भाई हमारा फर्स्ट बैच निकल चुका है और ये बिल्कुल जो है ना वैसा ही बना जैसा मैं चाह रही थी, ठीक है। अब हम बाकी जल्दी जल्दी फ्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। एंड लुक एट हर, ऐसा लग रहा है किसी रूम में बैठी हुई है मैडम। व्हाट डू यू वांट? नूडल्स। ओह माय गॉड।
रहे हैं हमारे चौमिन कितने मजे के लग रहे हैं। ये हम निकाल चुके और ड्रमचम हो गए, बस लास्ट बैच जो हमारा ड्रमचम का है। और ये हमारा खाना रेडी हो गया था और मैंने लगा भी दिया था खाना, बहुत 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 यम्मी बना था, इतना मज़े का बना था कि सब फौरन से फिनिश हो गया था। खाना खाकर किचन समेटा, बर्तन धोए, सारा कुछ साफ सुथरा करा, फिर हमने थोड़ी देर टीवी देखा और रूम में आए, फिर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, मोहित ने ईशा की नमाज़ पढ़ी, बच्चों को नाइट शिफ्ट बनाया। हालत इतनी बुरी हो रही है ना गर्मी से कि मैं बता नहीं सकती आपको। सो बस अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, रेडी हैं, वी आर ऑन बेड। तो मैंने कहा मैं सोने से पहले एक दफ़ा जो है ना पहले व्लॉग एंड कर दूँ वरना वो रह जाएगा। और मैं कोशिश करूँगी कल मैं संडे का भी व्लॉग बनाऊँ एक दफ़ा, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, बिकॉज मुझे एक तो अनबॉक्सिंग भी करनी थी वो मैं नहीं कर पाई, सो आई एम गोइंग टू डू इट इन माई नेक्स्ट व्लॉग। और ये मैं भी यहीं पर एंड करती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ 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 लाइक माई चैनल, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ यार कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।